वालेकुम अस्सलाम बेटा, वालेकुम अस्सलाम। ओके बेटा ओके। वालेकुम अस्सलाम बेटा। यहाँ पे थे कॉलम पे ना, यस बच्चे को ज्वाइन करें, इनको प्रॉब्लम हो रही है। जी बेटा, बच्चे काफी ज्वाइन कर गए। कोरम ऑफ मीटिंग हमने शुरू किया था,
किसी भी कोरम जो है नंबर फिक्स, कोरम मींस सर्टेन मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ए कंपनी एज फिक्स्ड बाय कॉम्पिटेंट, ठीक है, टू ट्रांजैक्ट बिजनेस इन अ जनरल मीटिंग ऑफ मेंबर्स। इन द एब्सेंस ऑफ अदर मेंबर्स एनी बिजनेस ट्रांजैक्शन इन मीटिंग विदाउट कोरम शैल बी वॉइड। कोरम पूरा नहीं होगा तो वॉइड होगा। कोरम क्या था? लिस्टेड कंपनी के लिए 10 मेंबर्स पर्सन जो है वो पर्सनली या प्रॉक्सी या वीडियो लिंक के थ्रू 25% वोटिंग पावर हो, और अदर देन लिस्टेड जो है वो 2 मेंबर लेकिन वोटिंग पावर उनकी भी 25%, और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल का एज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल। ये हमने कल पढ़ा, इसमें भी देखें कोई चीज पूछने वाली है तो। जी बेटा बी क्विक। नहीं, मेंशन होता है बेटा, मेंशन होता है। नहीं तो फिर वो 2% मस्ट होते हैं, 2%, वहां परसेंटेज नहीं होती ना, 2% फिर मस्ट होते हैं। ओके, लार्जर कोरम कंपनी अगर चाहे तो अपना कोरम लार्जर कर सकती है। अब्सेंस ऑफ कोरम, यहां रुके थे, ठीक है, कि अगर कोरम हाफ आवर तक मीटिंग का टाइम जो हाफ आवर तक पूरा ना हो तो मीटिंग जो है वो एडजोर्न हो जाएगी, लेकिन अगर मेंबर रिक्विजिशनिस्ट ईजीएम जिन्होंने बुलाई थी वो कोरम पूरा ना हुआ तो मीटिंग जो है डिजॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और जब ये क्लियर है डिजॉल्व वाल भी, और एडजोर्न मीटिंग में हाफ आवर के अंदर अगर 2% भी ना हुए, ठीक है, तो कम से कम 2 होना जरूरी है, 2 भी ना हुए तो फिर मीटिंग डिजॉल्व खत्म हो जाएगी। जी बेटा, अगर कोई मीटिंग 10% मेंबर या इससे ज्यादा वोटिंग पावर वो समझते हैं ये, जी, जी खत्म, 2 मेंबर होना जरूरी है, एडजोर्न में 2 जरूरी है। फिर आगे चल के एक मजाक आएगा, अभी मजाक नहीं आया, एक मजाक आएगा आगे।
एक जोक है, वो अभी मैंने छुपा के रखा हुआ है। बेटे मैंने कहा ना कि एक जोक है अर्जोन, वैसे 10 होता है लेकिन अर्जोन मीटिंग में फिर 2 होना जरूरी है, और एक जोक है वो आगे है, यहाँ पे नहीं है। हाँ, वो जोक आपकी बुक में नहीं है। वो ये है कि अगर कोई बंदा भी नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम SACP एक बंदे को बुला कर भी मीटिंग कर जाए वो कंसिडर करवाएगा। वो जोक यहाँ नहीं है। जी, तो जो बंदा, अच्छा ये चीज जी हाँ, बहुत से कानून वाले ऐसे कर रहे हैं। अच्छा, अब ये चीज जो पनिया, ये हम 3 दफा पहले भी पढ़ चुके हैं, 2 दफा। कोर्ट डिक्लेयरिंग अ जनरल मीटिंग इनवैलिड, जब कोई बंदा समझता है कि ये मीटिंग सही नहीं हुई तो वो 10% से इससे ज्यादा वोटिंग पावर वाले SACP को अप्लाई करेंगे, कोर्ट को अप्लाई करेंगे विद इन 30 डेज कि ये मीटिंग सारी या इसका कोई पार्ट उसको इनवैलिड करार दिया जाए। मे बी वो चीजें मीटिंग पास हुई है उसमें जिसमें नोटिस, क्योंकि मीटिंग का रूल जो है कि आप रेजुलेशन करेंगे, डिस्कस कोई भी चीज कर सकते हैं, लेकिन रेजुलेशन उसी चीज की पास होगी जिसका नोटिस मिला था। तो कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी मीटिंग पास हुई है जिसका या तो सबको पता नहीं था या कोई ऐसा एलिमेंट था जो वो नहीं चाहते ये मीटिंग जो है इसको वैलिड करा दिया जाए, तो वो कोर्ट को अप्लाई करेंगे विद इन 30 डेज कि इस सारी मीटिंग या कोई पार्ट उसको इनवैलिड करा दिया जाए। अब कोर्ट की मर्जी है वो या तो चाहे वो पार्ट या सारी मीटिंग फ्रेश का ऑर्डर दे, सारी मीटिंग कैंसिल कर दे। अब सुकून से पढ़े। क्लियर है। अब जनाब आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन धड़ाधड़ शुरू होते हैं। एक्सप्लेन द टर्म स्पेशल बिजनेस विद रेफरेंस टू कंपनी एक्ट एंड गिव एट लीस्ट
टू एग्जाम्पल अहम तरीन चीज है। स्पेशल बिजनेस इन चार के अलावा सारे बिजनेस स्पेशल होंगे। ये चार ऑर्डिनरी बिजनेस हैं, बाकी जितने भी बिजनेस होंगे ये चार मैंने बताया था स्पेशल बिजनेस है। एक नजर देखें, शाबाश। यस नायाब, वो सईदा रोशन इसमें है या बिजनेस नाम है? नायाब आवाज आ रही है? आई तो थी क्या? उसामा, आप दो नाम से आए हुए हैं। अच्छा, जी बेटा, ये मैंने रट्टा लगवाया था, फिर भी डाउट है तो बताएं। ओके ओके ओके, इसी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन 9 पर है। यूनिक लिमिटेड इज ड्यू, जी जी बेटा। नहीं, अच्छा बच्चा है उसामा। आप कह रहे हो ना सीएम लूंगा, कल कहा था ना आपने। इंशाल्लाह, यस ये चार ऑर्डिनरी बिजनेस हैं, ये दो स्पेशल है। यही चीज आगे पढ़नी है, ये सोल्यूशन देखें, वही चार बातें, वही आगे मीटिंग जो है आप ऑल मेटेरियल फैक्ट्स डिस्क्लोज करेंगे, इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इंटरेस्ट। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन 9 को अच्छा पढ़े, नाजल हो सकता है। हाँ, लेकिन उसमें देखें, उसमें तो एग्जाम्पल दिए थे, यहाँ पे इसको वही डिटेल। और ये क्या करना होगा पार्ट बी के लिए?
बी करेक्ट बेटा। क्या हो गया बेटा, जल्दी करें। वो एक मिनट, नयाब का आइए, उसको भी ज्वाइन कर। नया बेटा पढ़ लिया। अभी तो आई थी यार। है यार, देखे ना। नयाब आवाज आ रही है ना? अच्छा, एग्जाम्पल 10 की तरफ आते हैं।
नहीं बेटा, ये देखें, पार्ट बी उसका देखे, 14 डेज तक। ये 11 वाला अच्छा है, 11 वाला। नूर जरा, आप नहीं थे कल? बेटा ये तो मैंने बड़ी डिटेल से समझाया था। देखें पार्ट बी में, जी, फोर्थ विल मीन उसी वक्त, इमीडिएट। ये तो मैंने कल बताया था कि केस स्टडी भी आती है, फोर्थ विल मीन उसी वक्त, फौरन। यस अच्छा, वो सारी बच्ची को समझा रहा था, वो नूर को। नूर बेटा, वो असल में आपको शेड्यूल का इशू हो गया है, कल क्लास या वो बड़ा अजीब सा शेड्यूल कर रहे हैं, चलें अल्लाह मालिक है। तो उसमें आवाज आ रही है, उसमें जो इलेक्शन ऑफ चेयरमैन या मीटिंग अडजोन करने के लिए, दो मौकों के लिए जो है वो पोल फौरन डिमांड किया जाएगा।
इलेक्शन ऑफ चेयरमैन, चेयरमैन की मीटिंग थी ये। आप उमर आपका क्वेश्चन भी मैं पहले बच्ची को बता लूं। नूर जहरा ये यहां से वापस जाते हैं जहां हमने पढ़ा था। ये टाइम ऑफ टेकिंग पोल, टाइम ऑफ टेकिंग पोल अगर चेयरमैन मीटिंग में नहीं आया, चेयरमैन मीटिंग में नहीं आया और उसका इलेक्शन, फिर वो रूल क्या है कि चेयरमैन ना हो तो डायरेक्टर, डायरेक्टर भी ना हो तो फिर किसी मेंबर को चेयरमैन बनाएंगे जो दूसरे मेंबर इलेक्ट करेंगे। तो वो चेयरमैन मीटिंग के लिए, चेयरमैन बनाने के लिए इलेक्शन उसी वक्त होगा या मीटिंग एडजोर्न की जाए या ना की जाए, उसका भी जय पोल उसी वक्त लिया जाएगा। मुझे समझ आई, इन दो मकसद के लिए इमीडिएट होगा। कौन सा था? अच्छा ये है उमर, आपने इसे 11 का भी पूछा है। जी 11 का यहाँ दो चीजें हैं ना, पार्ट ए पार्ट बी। इफ शकील इंटेंड टू मेक, यहाँ पे अच्छा ये कैसे हटेगा ये? ये जो सामने नोटिस सा लगा हुआ है ये नजर नहीं आ रहा। चलो अच्छा चलो ठीक है। अच्छा ये देखिएगा इसका पार्ट क्वेश्चन जेन पे रखें, ये
यहाँ पे व्हाट कंडीशन वुड बी नीड टू सेटिस्फाई इफ मिस्टर शकील विशेज टू रिक्वेस्ट फॉर पोल मिस्टर शकील इंटेंड टू मेक अ रिक्वेस्ट फॉर पोल द चेयरमैन ऑफ मीटिंग वुड बी रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट हिज रिक्वेस्ट प्रोवाइडेड द रिक्वेस्ट इज सपोर्टेड बाय मेंबर हैविंग एटलीस्ट 10% ऑफ वोटिंग पावर सिंपल से था अब क्या सेटिस्फाई करना व्हेन पोल इज टेकन चेयरमैन या हिज नॉमिनी एंड रिप्रेजेंटेटिव मेंबर डिमांडिंग द पोल सच एज मिस्टर शकील एंड मेंबर रिक्वेस्टिंग द पोल शैल सिग्नाइज दी वोट्स वो वोट्स गिनेंगे जो पोल पे हुआ है और रिजल्ट जो है वो चेयरमैन अनाउंस करेगा बेटा यहाँ पढ़ के तो अच्छे लगते हैं जब लिखना पड़े ना कुछ थोड़ा सा डेवलप करना है याद करना है ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन 12 पढ़े क्या करना होगा जी बेटा 12 पढ़े बताएं अच्छा और ये देखें वो नहीं है यहाँ पे अब क्वेश्चन पढ़ते हुए तो बड़ा अच्छा लगता है नोटिस ऑफ एजीएम ऑफ एब्जुडिशियल प्रोमिनेंटली सेट आउट द मेंबर्स राइट टू अपॉइंट ए प्रॉक्सी एंड राइट ऑफ सच प्रॉक्सी टू अटेंड स्पीक एंड नो वोट अब ये जुमला आप याद करेंगे इसलिए कि कहीं ना कहीं ये लाजमी आएगा और दूसरा एएल में भी बाय रेजुलेशन ऑफ इट्स बोर्ड अथराइज वहां पे जो बोर्ड अथराइज करेगा दोनों को 2 मिनट में सुकून से पढ़े
कि बाकी सबको समझ आ रही है, सिर्फ एक बच्चा जवाब दे रहा है। ये क्वेश्चन 13 पढ़ें, अपना अपना रिप्लाई दें। अच्छा रीडिंग कर रहे हैं, पढ़े पढ़े 13 भी पढ़े। जी बेटा क्या होगा? बेटा कंपनी सेक्रेटरी होता है जो मीटिंग कंडक्ट कराता है, जिसके सारे फंक्शन होते हैं, कंपनी रजिस्टर करना, मीटिंग बुलाना, नोटिस भेजना।
बेटा क्या हुआ, जल्दी करे। अच्छा नहीं बेटा, जब भी ऑर्गेनाइजेशन भेजती है तो सील एनवेलप में भेजती है उसको। आप ये देखें, हम ये चीजें डेवलप करनी है, ये मैं अक्सर पूछूंगा यहाँ पे। अ कंपनी विच इज मेंबर ऑफ अनदर कंपनी मे बी रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड या अदर गवर्निंग बॉडी मे ऑथराइज एनी ऑफिस ऑफिशियल यानी अदर पर्सन टू एक्ट एज ए रिप्रेजेंटेटिव एट द मीटिंग। ठीक हो गया। दूसरा, द इंस्ट्रूमेंट अपॉइंटिंग अ प्रॉक्सी शैल राइटिंग होना चाहिए, साइन बाय ऑफिसर या अटॉर्नी होना चाहिए। ठीक है, और कंपनी में 48 आवर्स से पहले पहले। यस, ये जल्दी खत्म करें, ये वाला क्या होगा, जल्दी खत्म करें। ये अब अच्छे क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन अच्छे हैं। यस,
ग्रेट सही है, चीजें डिवेल्प। या मैं अलग अलग पूछूंगा ना आप ऐसा ऐसा, मसला यह है कि इस तरह पढ़ के तो बहुत इजी लगता है, लेकिन प्रॉपर ड्राफ्टिंग चाहिए, प्रॉपर सही। हाँ अब ये अच्छा है क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन अच्छा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब ये सलूशन आपको अच्छी तरह डेवलप करनी होगी। अब ऐसे है, ब्रेक कर ले फिर आगे पढ़ते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस तो बहुत लंबे क्वेश्चन है। अच्छा ये वाला अच्छा है, ये क्वेश्चन आपका अच्छा है। ये दोनों क्वेश्चन आपके अच्छे हैं भाई, ये पार्ट इसके भी अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये वाला 19 वाला। भाई ये बड़े मजे के 6 पार्ट्स हैं, वन बाय वन इनको सॉल्व करते जाते हैं।
ये नाजल होने का इम्कान है नाम या चेंज करके। सबसे पहला पढ़ते हैं, नोटिस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग वाज नॉट रिसीव्ड बाय देम ऑल्दो दे आर रेजिडेंट इन पाकिस्तान एंड देयर रिस्पेक्ट। अच्छा अजान हो रही है, इसको यहीं रोक लेते हैं। हाँ तो फिर ब्रेक भी कर रहे हैं, फिर जो है ना इकट्ठे ही वापस आएंगे। पंद्रह बीस तक ना, 8 तो हो गए।
जी बेटे उमर शुरू करें। अच्छा वन बाय वन पढ़ते जाते हैं, साथ करते जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला वन नोटिस ऑफ एन जनरल मीटिंग नॉट रिसीव बाय देम ऑल्दो दे आर, यानी ये कंप्लेंट्स हैं, कंप्लेंट को हमने एड्रेस करना है, ठीक है। तो अब वो कहता है कि ऑल्दो दे आर रेजिडेंट पाकिस्तान एंड देयर रजिस्टर्ड एज हैव बीन प्रोवाइडेड टू कंपनी, ये कंप्लेन है। अब इसका हल क्या है ये देखें। The accidental omission to give notice to या non-recept of notice by any member shall not invalidate the proceeding of any meeting. Therefore, if TL has sent a notice properly or according to the requirement of law, the shareholder complaint is not valid. पहला हो गया, कोई doubt इसमें? ओके दूसरे में वो कंप्लेन कर रहा है, सिंस द मीटिंग कुड नॉट कमेंस एट शेड्यूल टाइम 11 AM इट बिकम इनवैलिड एंड शैल बी कॉल अगेन। तो क्या होगा, आधा घंटा वेट करना होगा, 11 पे स्टू नहीं हुई। अब दूसरा देखते हैं पार्ट टू। एज पर इट इफ विद इन हाफ एन आवर फ्रॉम द टाइम अपॉइंटेड मीटिंग अ कोरम इज नॉट प्रेजेंट मीटिंग में इधर डिजॉल्व या अर्जोन, डिजॉल्व कैसे होगी, ठीक है। Since the quorum was present within 30 minutes, the meeting is valid. वो कहता है quorum present था, 10 नवंबर पे quorum present था, तो ये adjourn नहीं होगी, dissolve नहीं होगी। अच्छा इसमें लिखा हुआ नहीं है कि quorum present था या नहीं, तीसरे पे आए। अ रेजुलेशन पास्ड इन द मीटिंग वाज अप्रूव्ड बाय शो ऑफ हैंड हाउएवर पोल शुड हैव बीन कैरीड आउट, क्या होगा तीसरे का, शो ऑफ हैंड वैलिड होती है जब तक कि हुआ जाए वो डिमांड ना की जाए। तीसरे पे आइएगा। एज पर एनी जनरल मीटिंग रेजुलेशन पुट टू वोट ऑफ मीटिंग शैल बी डिसाइडेड ऑन शो ऑफ हैंड अनलेस अ पोल इज डिमांडेड The concerned shareholder should have demanded a poll on or before the declaration of result by voting of show of hand and not after the meeting is concluded. Therefore, shareholder protest is not valid. Ji beta. ओके फोर पे आइएगा। मिस्टर हामद हु वोटेड फॉर रेजोल्यूशन वाज रिप्रेजेंटेड थ्रू अ प्रॉक्सी व्हिच वाज डिपॉजिटेड एट 5:01 PM सच एज आफ्टर ऑफिस आवर्स ऑन 8 नवंबर सिंस 9 नवंबर 20 वाज पब्लिक हॉलीडे द कंडीशन ऑफ डिपॉजिट प्रॉक्सी एट लीस्ट 48 आवर्स बिफोर कमेंसमेंट ऑफ मीटिंग वाज नॉट मेट मीटिंग कब थी
टेम्पो, हाँ ये वैलिड नहीं होगा, ये मीटिंग वैलिड नहीं होगी, इसको ऑब्जेक्शन सही होगा। नंबर फोर पढ़ते हैं, प्रॉक्सी इज नॉट वैलिड एट इज वाज नॉट डिपॉजिटेड 48 बिफोर 48 आवर बिफोर मीटिंग, ये उसका ऑब्जेक्शन वैलिड है। बात समझ आ रही है सबको? नायाब है। हाँ डिस्करेक्ट कौन हुआ? उजामा है, उमर कौन हुआ डिस्कनेक्ट? नायाब हुई। अच्छा, अब आइएगा फाइव पे। मिस्टर गुलाम हु होल्ड 1,000,000 शेयर्स वाज रिप्रेजेंटेड बाय टू प्रॉक्सीज। अब पहली बात यह कि एक प्रॉक्सी होता है, टू प्रॉक्सीज इनवैलिड होते हैं। फाइव मेंबर शैल नॉट बी, जी, यस, ये वाइड होगा। अब लास्ट जेकेएम लिमिटेड होल्डिंग 2,000 शेयर ऑफ कंपनी वाज रिप्रेजेंटेड बाय मिस्टर बली वहीद, हु इज नादर अ डायरेक्टर नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ जेएम लिमिटेड। जी ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अ कंपनी हुज मेंबर ऑफ अनदर कंपनी मेड बाय रेजोल्यूशन ऑफ द डायरेक्टर अथराइज एन इंडिविजुअल टू एक्ट एट रिप्रेजेंटेटिव एट एनी मीटिंग ऑफ दैट कंपनी, देयरफॉर मिस्टर वहीद वोट इज वैलिड। अब इसका लास्ट पोर्शन आइएगा, डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच अ कोर्ट में डिक्लेयर रेजोल्यूशन पास इन अबव मीटिंग या इंटायर प्रोसीजर का मीटिंग इज इनवैलिड। 10% या इससे ज्यादा वोटिंग पावर जिनके पास है, ठीक है, ये वही चीज जो बताई थी 30 डेज में ये करेंगे। आपके ये क्वेश्चन सारे अच्छे हैं, मैं इनको अब ये देखें, वो ये बड़े मजे का क्वेश्चन है। बीएल वाज फॉर्म एज ए कंस्ट्रक्शन कंपनी विद एन इश्यूड एंड पेड ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ 500 ऑर्डिनरी शेयर्स ईच। ओएल कॉमा टी लिमिटेड विच इज वन ऑफ सब्सिडरी कंपनी ऑफ ओएल एंड मूव लिमिटेड हैज सब्सक्राइब 125 मिलियन कॉमा 130 मिलियन एंड 245 मिलियन आरडी शेयर ऑफ बेल रिस्पेक्टिवली। अब तीन हो गई, ओएल, ठीक है, टी लिमिटेड हु इज सब्सिडरी ऑफ ओएल एंड मूव प्राइवेट लिमिटेड है, ये ने सब्सक्राइब किया है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ बेल हैज डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट स्टेट ऑफ अराउंड 5-स्टोरी शॉपिंग मॉल इन अ पोश लोकेलिटी इन इस्लामाबाद। बेल मैनेजमेंट फाउंडर लुक्रेटिव पीस ऑफ लैंड इन दी सेड लोकेलिटी विच इज ओन्ड बाई जाकर, ये बहुत अच्छी केस स्टडी है, हु इज ऑल्सो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ बी एल बेल एंड ओ एल। आफ्टर नेगोशिएशन बेल एंड जाकर प्रिंसिपली एग्री दैट एंड कंप्लीशन ऑफ द शॉपिंग मॉल 5th फ्लोर ऑफ शॉपिंग मॉल विल बी गिवन टू जाकर इन एक्साइज एक्सचेंज फॉर प्राइस ऑफ हिज लैंड। डिस्कस द कंडीशन दैट मस्ट बी कंप्लाइड। अब पहले तो सोचो क्या होगा, 2 मिनट पढ़ो सोचो।
क्या हो गया बेटा, पढ़ने को बोला है सोने को नहीं? क्या जी, इसका रिप्लाई देखिएगा। जी, ब्रोन इंटरप्राइज लिमिटेड बेल इंटेंट टू एक्वायर लैंड इन एक्सचेंज ऑफ फिफ्थ फ्लोर ऑफ द प्रपोज शॉपिंग मॉल सच एज इंटेंट टू इंटेंट इन द नॉन कैश ट्रांजैक्शन विद वन ऑफ इट्स डायरेक्टर। मोर एवर बेल इज सब्सिडी कंपनी ऑफ ओएल एज वो आर कंट्रोल मोर देन वन हाफ वोटिंग शेयर ऑफ बेल एज फॉलो। डायरेक्ट शेयर होल्डिंग 125, इनडायरेक्ट शेयर होल्डिंग थ्रू इसके ठीक है 25% और 26% 51% हो गया। तो टोटल शेयर होल्डिंग ऑफ ओएल टुगेदर विद सब्सिडी इन बैलेंस कितना हो गया 51। इन द लाइट ऑफ अब इफेक्ट इन ऑर्डर टू एक्सिक्यूट द सेट ट्रांजैक्शन फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी कंप्लाइड विद। अ जनरल मीटिंग ऑफ बेल शैल बी कॉल्ड फॉर ओपनिंग शेयर होल्डर प्रायर अप्रूवल थ्रू अ रेजोल्यूशन सिंस जाकर आल्सो अ डायरेक्टर ऑफ ओएल। A general meeting of all shall also be called for opening holding company share prior approval through a resolution. The notice of general meeting to be called for approval of resolution by Bell as well as OL shall include a particular of land to be purchased along with the value of land duly calculated by valued register. The particular fifth floor of proposed shopping mall to be sold along with its value duly calculated by register value. Among other matters, as required for notice of general meeting, there shall be annexed to a notice of statement setting out all material facts concerning the said transaction, including nature and extent of Zakir interest as director. जी बेटा, स्कूल से इसको एक साथ दफा आप देखें। शाबाश।
बेटा ये ओके तो है, प्रॉब्लम ये है कि आप फिजिकल नहीं हो, वरना मैं ये लिखवा कर देखता। ये दो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब इसको एंड करते हैं, आगे चलते हैं। ये मैं दरमियान में कभी कभी पूछा करूंगा, यही हाल है मेरे पास। ये सारे केस स्टडी बहुत अच्छे हैं। अब सारे केस स्टडी पे टाइम लगाया तो पढ़ नहीं पाएंगे, दरमियान में कभी कभी केस स्टडी की तरफ आएंगे। रेजोल्यूशन एंड रिकॉर्ड, नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन टू बी स्टेटेड इन नोटिस। मैंने कहा था जब भी रेजोल्यूशन पास करानी है उसका नोटिस में मेंशन करोगे। अच्छा, अ नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी शैल स्टेट द जनरल नेचर ऑफ ईच बिजनेस प्रपोज टू बी कंसिडर्ड एंड डील विद देम एट मीटिंग, एंड इन केस ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन अकम्पनीड बाय अ ड्राफ्ट रेजोल्यूशन। आप ड्राफ्ट रेजोल्यूशन भी भेजते हो, भाई किसी के पास इसका हल है तो वो भी बता दो। रेजोल्यूशन में मेंबर मेंबर हैविंग नॉट लेस देन, अच्छा ये 5% चला आपका बुक में आए, ये 10 हो गया ये भी, लेकिन आप इसको, ये वाहिद जगह है जहां पे आपका 5% है, ये भी 10 हो गया, लेकिन आपकी बुक में 5 आया तो 5 ही रखिएगा। वाहिद जगह जहां पे 5% की बात हो रही है, वरना 10% की बात होती है। मेंबर हैविंग नॉट लेस देन 5% वोटिंग पावर इन द कंपनी में गिव नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन एंड सच रेजोल्यूशन टुगेदर विद द सपोर्टिंग स्टेटमेंट इफ एनी विच दे प्रपोज बी कंसिडर ए मीटिंग शैल बी फॉरवर्ड सो एज टू रीच दी कंपनी। अच्छा, अब ये मैं 5%, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये 10% है जो कि रिक्वेस्ट मीटिंग वाले, जो रिक्वेस्ट कितने मेंबर परसेंट हो, 10%, ये इन्होंने 5% गलती से लिख दिया। आप ये लिखिएगा जब भी रिक्विजिशन बुलाते हैं तो 10% वाले होते हैं, इन केस ऑफ मीटिंग रिक्विजिशन बाय मेंबर टुगेदर विद रिक्विजिशन फॉर मीटिंग एंड इन एनी अदर केस एट लीस्ट 10 डेज बिफोर मीटिंग। यानी जो रिक्विजिशन वाले हैं वो उसी दिन जमा करवाएंगे, और रिक्विजिशन के अलावा वो जो है 10 डेज बिफोर मीटिंग वो जमा करवाएंगे, और वो मेंबर को भी सर्कुलेट की जाएगी। जी बेटा पूछे, शाबाश, सुकून से पढ़े, पूछे। बिल्कुल, शाबाश। बेटा क्या हुआ? रेजुलेशन पास एट अजोन मीट, याद रखना जोन मीटिंग जो पास होगी वो एज इट इज वैलिड होगी, जैसे पहली मीटिंग पास हुई है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट उस दिन से होगी जिस दिन पास हुई है, पहले नहीं। वेयर अ रेजोल्यूशन पास एट जोन मीटिंग ऑफ द
company, holding of any class of shares in the company, the board, or creditor of company. The resolution shall, for all purposes, be treated as having been passed on the date on which it was in fact passed, and shall not be deemed to have been passed on earlier date. Ji beta, spoon se padhe, phir aage chalte hain. ये पढ़ने के बाद एग्जांपल पढ़े थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. ओके okay. अब आइएगा पासिंग ऑफ रेजुलेशन में मेंबर थ्रू सर्कुलेशन. एक चीज जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जब भी ये सेक्शन 149 सामने आए या पासिंग ऑफ रेजुलेशन बाय मेंबर, तो साथ ही सेक्शन 179 याद आना चाहिए. ये पासिंग ऑफ रेजुलेशन बाय मेंबर थ्रू सर्कुलेशन है,
सेक्शन 179 जो है वो पासिंग ऑफ सर्कुलेशन थ्रू डायरेक्टर्स है। इसको पढ़े फिर वो पढ़ते हैं, दोनों सेम है, तीन फर्क है। यहां पे ऑर्डिनरी बिजनेस की बात हो रही है, डायरेक्टर में ऑर्डिनरी बिजनेस की बात नहीं होती। एक बात, यहां मेंबर जब 50 से नीचे हो वहां मेंबर्स की नहीं है, यहां रिकॉर्ड 20 साल के लिए होगा, वहां रिकॉर्ड 10 साल के लिए होगा। ये तीन मेन डिफरेंस है। When resolution through circulation is allowed, except for ordinary business to be conducted in annual general meeting, yani annual general meeting में जो चार business होते हैं ordinary, वो resolution के through नहीं होंगे, circulation के through नहीं होंगे। Member of private company या public unlisted company not having 50 members, more than 50 members से ज्यादा ना हो, may pass a resolution ordinary or special by circulation signed by all member for time being entitled to receive notice of meeting. ये बैरिया यूनिवर्सिटी वाले हमसे सेम करते हैं कि वो टीचर को बुलाने के बजाय पीएन को डॉक्यूमेंट्स देते हैं, ऊपर साइन की जगह होती है, हम वो पढ़ के सारे साइन कर देते हैं, अपने अपने रूम में ही होते हैं, साइन कर देते हैं। दैट इज रेजोल्यूशन ऑफ मेंबर थ्रू सर्कुलेशन। इसके ट्वेंटी ईयर बेटा मुझे चूंकि जुबानी याद है, होगा कहीं ना कहीं, ये लिखा हुआ, ये नजर आया, नजर आया बेटा, अच्छा पहले तो इसको सुकून से पढ़े। चार बातें आपको जबानी चाहिए होनी चाहिए, रट्टा सारी को नहीं लगाना। आप पहला पॉइंट पढ़ेंगे एज वैलिड एंड इफेक्चुअल, बस वैलिड एंड इफेक्चुअल याद रखना है। क्या वैलिड एंड इफेक्चुअल? एनी रेजोल्यूशन सो पास शैल बी एज वैलिड एंड इफेक्चुअल एज इट हैज बीन पास एज जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी ड्यूली कन्वीन्ड एंड हेल्ड। तो पहला पॉइंट एज वैलिड एंड इफेक्चुअल। दूसरा, नेसेसरी पेपर्स, a resolution shall not be deemed to have been duly passed unless resolution has been circulated together with necessary paper if any to all members. Teesra, cannot be revoked. Jab aapne sign kar diye, theek hai, a member agreement to a written solution passed by circulation once signified may not be revoked. Ab revoked nahi ho sakte. Teen baatein. Aur part of subsequent meeting, resolution so passed shall be noticed as subsequent meeting of member and made part of minute of such meeting. Char baatein padhe spoon se, panch ho jayengi.
क्या होगा बेटा, थक गए हो? तो बताओ ना, फिर मैं आपको दूसरा इसका दिखाऊं। मैं बार बार कह रहा हूं, जैसे यहां पे थ्रू सर्कुलेशन होगा, ये सेक्शन 149 है, ये मेंबर्स की है, और सेम चीज है, तीन फर्क है, ये चार बातें तो सेम आएंगी। अच्छा दिखाता हूं, डायरेक्टर्स मीटिंग 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 आ जाए जी। पेज 81। यस, ये पासिंग ऑफ नजर आ रहा है, पासिंग ऑफ रेजुलेशन थ्रू सर्कुलेशन, सेक्शन 179। वैलिडिटी, मैंने कहा था कि वैलिडिटी या एज इट इज वैलिड होगी, यहां पे हेडिंग के साथ है। मैनर ऑफ सर्कुलेशन विद डॉक्यूमेंट्स, रिवोकेशन यही वही चाली चीज, और रिकॉर्ड, अच्छा वहां पे वो नहीं है, पार्ट कौन सा नहीं है इसका, वैलिड होगी, सर्कुलेशन होगा, नेसेसरी पेपर, ऑल डॉक्यूमेंट्स आ जाए। एक चीज वहां थी, हाँ, सब्सिक्वेंट मीटिंग का पार्ट बनाया जाएगा, वो यहाँ पे शायद नहीं है। ये सेम है, अस्सलाम बेटा वालेकुम करी। सर। वालेकुम सलाम बेटा। सर मुझे एक बात कंफर्म करनी थी, जैसे अभी यहाँ पर भी और वहां पे भी लिखा हुआ है मे नॉट बी रिवोक्ड, अगर रिवोक होगा तब क्या सिनेरियो होगा, थोड़ा सा आप मुझे गाइड कर देंगे, क्योंकि वो बेटा सिनेरियो बेस देते हैं ना, फिर कंफ्यूजन हो जाती है बेटा, सिनेरियो ये। बेस का मैं सिर्फ परेशान ये हूं कि आप लोग मेरे पास फिजिकल नहीं है, मैं वरना रोज के सिनेरियो साथ दिखा के प्रैक्टिस करवाता हूँ। मेरे आईसीएम में के जो बच्चे होते हैं वो फिजिकल होते हैं ना, मैं उनको इतना डेवलप करता हूँ कि मेरा 90 से रिजल्ट बिलो आते ही नहीं है, 90+ ही आता है। ठीक है, जी यहाँ सर, मैं बेबस इसलिए हूँ कि यहाँ पे मैं, पहली बात है कि कुछ बच्चे वो टाइम पे रेगुलर नहीं है, दूसरी बात जो प्रॉब्लम यह है कि ये चीजें डिवेलप होती हैं, बच्चा सामने हो अचानक पूछे, अब ये ऐसा ऐसा कुछ करना ही है, बाल वो रिवोक कर ही नहीं सकते, रिवोक हो ही नहीं सकते। अच्छा तो हमें ऐसे सिनेरियो आएगा नहीं, मेन नोट वाला। हाँ, तो अगर मे नॉट, अगर वो कहना कि वो रिवोक करना चाहता है, तो आप आंसर क्या होगा, एक दफा सिग्निफाई कर दिया, रिवोक नहीं हो सकता। ओके अगर सिग्निफाई नहीं किया तब हो सकता जी, फिर तो रिवोक की है। जरूरत ही नहीं है ना। हाँ फिर तो नहीं, अगर जब तक सिग्निफाई नहीं है, सही है सर। जी बेटा।
ये पता नहीं थैंक यू आपकी सो आवाज, नहीं, थैंक यू नहीं बेटा, ये बात आप ऐसे क्वेश्चन पूछा करें। प्रॉब्लम क्या है, जितने ज्यादा क्वेश्चन पूछोगे ना इतना ज्यादा डेवलप होगा। क्वेश्चन आप जी भेज सर, सकते क्लियर जितने होता है। अच्छा, हाँ क्लियर भी होता है। इसको आप यहीं रोकते हैं क्योंकि टाइम नहीं रहा, कल मेरे ख्याल है क्लास है, कल इसको यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है? ओके सर, और कल मैं थैंक कोशिश करूंगा कि एक आध केस स्टडी प्रैक्टिकल भी पूछूं, ऐसे सब ये डेवलप करें। कल मैं कोशिश करूंगा कि एक केस स्टडी ना प्रैक्टिकल भी हो जाए, ठीक है सर, ओके ठीक है बेटा? इंशाल्लाह कल मुलाकात हो। सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।